यस गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड चैप्टर नंबर 10 पार्ट 10 हमने कंप्लीट कर लिया था कल। इसका पार्ट 10 का नाम है जल व उसके शोर, जल एवं उसके शोर। इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, हमने पानी के बारे में पढ़ा और जो पानी है जल है वो कहाँ कहाँ से हमको मिलता है उसके बारे में पढ़ा। पानी बहुत कीमती है, उसको बचाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये हमने पढ़ा। और पीने का पानी साफ होना चाहिए, जो जल के स्रोत है जहाँ से हमको पानी मिलता है वो स्रोत हमको गंदे नहीं करने चाहिए, उसमें नहाना नहीं चाहिए, उसमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे पानी दूषित हो जाता है और दूषित पानी अगर हम काम में लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो कभी भी पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब आती है इसके प्रश्न उत्तर की बारी। प्रश्न उत्तर की बारी में और चौथा प्रश्न जो है प्रश्न उत्तर को मैं कल करा दूंगी। पहला प्रश्न है, इसमें आपको सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है, मतलब कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है और उसके तीन ऑप्शन दिए हैं, वन टू और थ्री। जो भी सही उत्तर है, आपको जो आंसर सही लगता है उस पर आपको क्या लगाना है, राइट का निशान लगाना है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किताब में बताते हैं ना आप लोग, ठीक है, और किताब नहीं है तो ध्यान से सुनिए, फोटो जब मैं भेजूंगी उससे कॉपी में करेंगे। पहला है तो जल प्राप्ति का यानी कि जल को पाने का मुख्य स्रोत है, पहला वर्षा है क्या, झरने हैं या नलकूप है, यानी कि पानी मुख्य रूप से हमको किससे मिलता है, वर्षा झरने या नलकूप, क्या होगा क्या आंसर, वर्षा। तो जो वर्षा है पहला ऑप्शन, उस पर आप राइट लगा दो जिनके पास। उसके बाद बारी आती है ख, ख है भूमिगत जल हम प्राप्त करते हैं, भूमिगत यानी भूमि के अंदर का जो जल है, अंदर का जो पानी है वो हम प्राप्त करते हैं किससे, हैंडपंप द्वारा, हैंडपंप से, झरनों से कि नहरों से, जमीन के अंदर का पानी निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, जमीन के अंदर का पानी निकालने के लिए हम हैंडपंप द्वारा निकालते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हैंडपम्प, इस पर आप राइट लगा देंगे, उसके बाद कॉपी में करना है आपको, कॉपी में प्रश्न लिख के उत्तर लिखना है। फिर आती है बारी ग, नदी का जल प्रदूषित होता है, नदी का जो पानी है वो दूषित यानी गंदा किससे होता है, कूड़ा कचरा डालने से, पशुओं को नहलाने से, इन सभी से। तो कचरा डालने से पानी प्रदूषित होता है और नहलाने से पशुओं को, दोनों से। तो इसमें आप दोनों लिखेंगे, आप लिखेंगे कूड़ा कचरा डालने से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या आप लिखेंगे, पशुओं को नहलाने से, पशुओं को नहलाने से। और थर्ड जो ऑप्शन है इसका, तीसरा उत्तर है, उसको भी लिखेंगे इन सभी से। और इसमें सही उत्तर ये वाला है, थर्ड वाला, इन सभी से, यानी कूड़ा कचरा डालने से, पशुओं को नहलाने से, इन दोनों से पानी जो है वो दूषित होता है, ठीक है। घर प्रश्न लिखेंगे आप, जल शुद्ध किया जाता है छानकर, उबालकर, उबालकर या छानकर,
नर को दो हैं इसको, तो दोनों को फिर कर लेना। पीने का जो पानी है वो गहरे कुओं और नलकूपों से प्राप्त होता। अब आइए आप तीसरा गर गर नदी के जल को डैश और डैश कर पीना चाहिए। नदी के पानी को कैसे पीना चाहिए? पहले छानकर उसकी कथा साफ हो जाएगा और फिर उबालकर उसके जो कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। तो छानकर और उबालकर दो फिल्म से इसमें, तो दोनों आप लिखेंगे, एक में आप लिखेंगे छानकर और दूसरे में उबालकर। नदी के जल को छानकर और उबालकर पीना चाहिए। अब आइए आप घर में जल को डैश पीना चाहिए। जल को क्या डैश पीना चाहिए? जल को साफ करके पीना चाहिए, साफ करके। नदी का दूषित पानी दूषित कैसा होता है?